वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया, 4 बज रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मूड है ढोकला खाने का। सो फ्रेंड्स, मैं अपने हाथों से ढोकला बनाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखना और बताना ये कैसे बना। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, अभी ढोकला का सामान आया है नहीं, पापा लाने गए, तो थोड़ा देरी लगेगा। तब तक चलते हैं अपने बालकनी की ओर, थोड़ा सा टहलेंगे, पापा का वेट करेंगे। यहाँ काफी धूप है, अच्छा है। ठंड के मौसम में ऐसे धूप निकलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने बालकनी की तरफ। आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा धूप है, कितना अच्छा सनशाइन हो रहा है अभी। ये देखो कितना अच्छा सनशाइन हो रहा है, बहुत अच्छा धूप है। यहाँ पे सब पर टहल रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है आज, इतना अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत ही पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और शायद आज कुछ है ना फ्रेंड्स, आज कुछ है ना फ्रेंड्स, आज कुछ है, मतलब आज है प्रपोज डे फ्रेंड्स। यहाँ बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो चलते हैं अपनी नानी के पास, उनसे बातचीत करते हैं। तब तक फ्रेंड्स, देखिए अपनी नानी के रूम में हम आ चुके हैं। नानी हो रही है रेडी, क्योंकि शाम हो गए ना। हाँ नानी हो गई रेडी। सो फ्रेंड्स, चलिए नानी के बालकनी की तरफ। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बोला था कि आज कुछ है, तो फ्रेंड्स आज है प्रपोज डे। सो मैं तो घर ही में एंजॉय कर रही हूँ प्रपोज डे, फिर ढोकला खा के। ये देखो बाबू अभी शौकी उठा, अली बाप ले। ये देखे फ्रेंड्स, इसको इतने गुस्से में देख रहा है। अरे बाप, अच्छा नीनी करके उठा ना बाबू। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना बदमाश है ना, ये बहुत बदमाश हो गया है बाबू, है ना बाबू। खाली बदमाशी करता, खाली बदमाशी करता, खाली मम्मी को गोदी। और ये अलीशा मम्मी बेचारी परेशान हो जाती है, देखिए कैसे मुंह छुपा रही है। दुदु, दुदु, कुछ 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 कुछ। ओ या फ्रेंड्स, मेरा सामान आ गया ढोकला बनाने का। तो ये है दही, अमूल मिष्टी दही, और ये है हमारा करिया पत्ता, हरी मिर्च, और ये है सरसों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं बनाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने ढोकला बनाने के लिए यहाँ पे 1 कप बेसन ले लिया। अब हम इसे इसमें डालते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी लिया है, जो मैं इसमें डालूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं ये डालने जा रही हूँ। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल लिया। अब हम इस छाछ को इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ना स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक देंगे और फिर थोड़ा सा हल्दी देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने हल्दी भी डाल दी। अब हम इस दही का बनाएंगे छाछ, तो चलिए। फ्रेंड्स, अब हम इसी कप में ये दही 1 कप लेंगे। 1 कप जितना हमने बेसन लिया था ना, उतना हम दही भी लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे जितना हो सके उतना फेंटना है। मेरे पास फेंटने वाला तो है नहीं, इसलिए मैं चम्मच से फेंट रही हूँ। अब जितना हो सके आप इसे इतना फेंटिए, 10-15 मिनट तक इसे फेंटते रहिए, तो ये बहुत ही अच्छा स्पंज टाइप सा बनेगा। ये देखिए मेरा ढोकला हो गया है रेडी। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चेक करके भी देखा, कुछ भी नहीं लगा। बहुत अच्छा ढोकला स्पंजी बनाया है, मैं आप लोग को निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ढोकला हो गया है रेडी। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि ये मेरा ढोकला बना कैसा है, तो फिर मैं नई नई और चीज़ें लेके आऊँगी। मेरा ढोकला
मेरा तो बन चुका, हमने खाया भी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कि कैसा बना था, कैसा उसका शेप था, प्लीज़ फ्रेंड्स बताना। और लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।